सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है और उसी के लिए तमाम तारीफें हैं और वो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह पाक है और सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है, नेकी करने की ताकत और गुनाह से बचने की तौफीक सिर्फ अल्लाह की मदद से ही है, जो बुलंद शान और अजमत वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है। उसने अपने वादे को सच्चा कर दिया और अपने बंदे की मदद की और उसके लश्कर को गालिब किया और इस अकेले ने तमाम ग्रोहों को शिकस्त दी। और कयामत तक अल्लाह की रहमतें और सलामती हो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आले पाक पर, साहबाए कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और पैरवी करने वालों पर। ऐ अल्लाह, हमें, हमारे माँ बाप, हमारे अहलो अयाल और तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों को बख्श दे। और सब तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, प्यारे नबी पाक के सदके में उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया, उनकी इस काविश को कबूल फरमा। इस काम को हमारे लिए तोशा आखिरत बना दे। ऐ अल्लाह पाक, प्यारे नबी के सदके में हमारे तमाम गुनाह सगीरा व कबीरा माफ फरमा दे और हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। हमें, हमारे वालिदैन, हमारे अहलो अयाल और तमाम मोमिन मुसलमान मर्दों और औरतों को बख्श दे। ऐ अल्लाह पाक, तू हमारी कब्रों में वहशत के वक्त एक रफीक अता फरमा दे और हमें कब्र के अजाब से महफूज रखियो। ऐ तमाम जहानों के मालिक, दुनिया से रुखसत होते वक्त हमारी जबान और दिल इस बात की शहादत दे रहे हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ तमाम जहानों के मालिक, हमारे दुआ कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हर चीज जो आसमानों और जमीन में है उसकी तस्बीह कर रही है और वो जबरदस्त और हकीम है। ऐ अल्लाह पाक, तू रहमान है, तू रहीम है। हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हमें माफ फरमा। हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा। ऐ अल्लाह पाक, इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान हैं, हमारे वतन के अवाम भी परेशान हैं। वो आपस में लड़ रहे हैं, उनमें इत्तेफाक नहीं है। उनके दिलों से नफरतों की आग बुझा दे। ऐ अल्लाह पाक, ये नन्हे नन्हे हाथ तुझसे मदद चाहते हैं, तो इन मासूम बच्चों की दुआ कबूल फरमा और हमें इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल। अपने प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अमान दे दे, हमारे दिलों को मोहब्बत से भर दे। तू रहमान है, तू रहीम है। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो मातूब नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं हैं। ऐ हमारे रब, हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाए उन पर गिरफ्त न कर मालिक, हम पर वो बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। परवरदिगार, जिस बार को उठाने की ताकत हम में नहीं है वो हम पर न रख, हमारे साथ नरमी कर, हमसे दरगुजर फरमा, हम पर रहम कर। तू हमारा मौला है, काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। ए करीम, हमें माफ फरमा। तू रहमान है, तू रहीम है। हमारी दुआएं अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। ए खासा खासान रसूल, वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। जो तफरके अकवाम के आया था मिटाने, उस दीन में खुद तफरका अब आके पड़ा है। जिस दीन ने गैरों के दिल आके मिलाए, उस दीन में खुद भाई से भाई जुदा है। जो दीन के हमदर्द बनी नौए बशर था, अब जंगो जदाल चारों तरफ उसमें बपा है। डर है कहीं ये नाम भी मिट जाए ना आखिर, मुद्दत से इसे दौरे जमा मेट रहा है। फरियाद है कश्ती उम्मत के निगहबान, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। तदबीर संभलने की हमारे नहीं कोई, हाँ एक दुआ तेरी कि मकबूल खुदा है। 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 ऐ खास है खासान रसूल, वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। ऐ खास है खासान रसूल, वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है।